सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अंसारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल अंसारी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तस्लीम अंसारी और आज ईमेल क्लाइंट की एक और नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ईमेल क्लाइंट की वीडियोज में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल फॉरवर्डर को हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, इसको यूज करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ईमेल फॉरवर्डर का यूज है क्या और ये होता क्या है। इसमें हम कुछ इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि मुझे अगर कोई ईमेल रिसीव होता है तो मेरे साथ साथ वो किसी तीसरे थर्ड पर्सन को भी ईमेल फॉरवर्ड हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। कुछ रूल हम बनाते हैं कि उसमें होगा क्या कि हम उस ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करेंगे, दूसरी ईमेल आईडी डालेंगे जिस पे हम ईमेल ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद में होगा क्या कि जितने भी ईमेल मुझे रिसीव होंगे वो मेरे साथ साथ मेरी आईडी से डायरेक्टली जिस आईडी के हमने ईमेल जिस पर्सन की हमने ईमेल आईडी डाली होगी उसको वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसको देखते हैं कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में इसको ये रूल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो चलिए चलते हैं मेरे सिस्टम में और देखते हैं हम कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले आप आउटलुक में आ जाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखिए रूल्स का, इस पर आप क्लिक कीजिए और मैनेज रूल्स एंड अलर्ट्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये मैंने पहले रूल बना रखा है तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से अप्लाई और ओके, ये देखिए अब रूल ये डिलीट हो चुका है। तो अब हम नया रूल बनाते हैं ईमेल को फॉरवर्ड करने के लिए। तो आप यहाँ न्यू रूल पे देखेंगे, आपको न्यू रूल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और अप्लाई रूल ऑन मैसेज आई रिसीव, यानी कि जो मैसेज मुझे रिसीव होगा उसको ट्रांसफ़र करना है मुझे। तो आप इस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन ये वाला, वेयर माई नेम इज इन द टू और CC। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपका नाम टू में हो या CC में हो, किसी में भी हो, वो आपके जितने भी ईमेल्स हैं उसको ट्रांसफ़र वो फॉरवर्ड करेगा ही करेगा। तो नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद में आपको देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये फॉरवर्ड इट टू पीपल और पब्लिक ग्रुप। ठीक है, आप इस पर चेक लगाइए और यहाँ देखिए आपको ये ऑप्शन आ जाएगा एक पीपल और पब्लिक ग्रुप का, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपके ये देखिए यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स भी वगैरह भी हो सकते हैं जो जिस पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी उस ईमेल आईडी को एंटर कीजिए जिस ईमेल आईडी पे आप अपने ईमेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी और ये ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट कीजिए। इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए ऐसे ही, ये नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आप रूल का अपना नाम डाल सकते हैं याद रखने के लिए कि आपने क्या रूल बनाया। तो मैं यहाँ पे फॉरवर्डर लिख देता हूँ। और इसको फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद में आप इसको अप्लाई कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके कि हमारा ये जो रूल है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इस पे मैं अपनी किसी दूसरी ईमेल आईडी से ईमेल करता हूँ तो देखते हैं कि ये जो ईमेल है वो मेरे उस पे फॉरवर्ड होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे अपने ईमेल आईडी से सेंड करता हूँ ईमेल। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने फ़ोन की डिस्प्ले भी शेयर कर देता हूँ तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पे मेरे इस पे ईमेल आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ जो मेरे आउटलुक में है। इस समय यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टेड और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो और ये सेंड कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ईमेल रिसीव होगा। उसके बाद यहाँ से जो ईमेल है जो मेरा रूल बनाया है मैंने वो मेरी दूसरी आईडी पे ट्रांसफ़र कर देगा, फॉरवर्ड हो जाएगा यानी कि मेल।
तो जो आप जितने भी ईमेल्स हैं मुझे इस पर रिसीव होंगे, तो मुझे जो मैंने रूल बनाया है, जो आईडी डाली है, उसके अंदर भी मुझे सारे ईमेल्स मिलेंगे। तो देखते हैं, ये इसको रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इससे क्या है जल्दी रिसीव हो जाएगा मेल, हमें पता चल जाएगा। ये देखिए मेल हमें रिसीव हो चुका है, और ये देखते हैं कि हमें मिल पाता है या नहीं मिलता है फॉरवर्डर। देखिए यहाँ तो ईमेल आ चुका है, ये देखिए ईमेल हमें रिसीव हो चुका है। ये देखिए टेस्टेड लिख के भेजा था सब्जेक्ट, और ये हेलो लिख के भेजा था हमने। तो ये देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है कि यानी कि जो ईमेल हमारे उस पे आए थे, उसके सारे ईमेल जो फॉरवर्ड होके मेरे पास भी, मुझे यहाँ पे फ़ोन पे भी अपने रिसीव होंगे। तो बस यही था आज की वीडियो में, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आ जाता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।